आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पुराने ग्लास को काट के आप ग्लास शेल्फ बना सकते हैं। ग्लास काटने के लिए आपको एक ग्लास कटर की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्लास कटर्स की अलग अलग क्वालिटीज़ आती है, तो ये वाला तो मेरे ख्याल से मीडियम क्वालिटी का होना चाहिए। बाकी ग्लास काटने में अच्छा काम कर रहा है। ये पूरा मेटल का बने होने के कारण ये काफ़ी हैवी है और बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। आगे कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है। इसके बैक साइड पे खोल के आपको ऑयल चेंबर मिलेगा। इसके अंदर आप तारपीन का तेल भर सकते हैं ताकि ग्लास काटने में अपने आप को ऑयलिंग खुद करता रहे। एक तरह से सेल्फ ऑयलिंग है, लेकिन ग्लास काटने में अलग से तारपीन का तेल लगाना ज़्यादा ईजी रहता है ग्लास पे। इसके अंदर बार बार भर के यूज़ करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट रहता है। चलिए अब इस ग्लास को काटते हैं। टूटे ग्लास को मैंने टेप से पहले ढका हुआ था, इसको हटा लेते हैं। ग्लास काटने के लिए आपको एक लकड़ी के टुकड़े की जरूरत पड़ेगी जो कि बिल्कुल सीधा हो। कोई भी आपके पुराना बोर्ड पड़ा हो एकदम सीधा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो उसके बिना इसे थोड़ा सा सीधा चलाने दिक्कत आएगी। और थोड़े से तारपीन के तेल की भी आपको जरूरत पड़ेगी इसमें। ग्लास को काटने से पहले कपड़े की मदद से हल्का सा तारपीन का तेल लगा लेंगे इस पे। यह हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो ग्लास कटर का हेड होता है वो खराब ना हो ग्लास को काटते में। उसके बाद जहाँ से आपने ग्लास को काटा है उसके नीचे कोई पेंसिल या कोई भी वुडन बोर्ड लगा के ग्लास को दबाएंगे तो इजीली ये टूट जाएगा दो टुकड़ों में। काफ़ी इकसार कटा है ये, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से बाकी टुकड़ों को भी मैं काट लूँगा ताकि ग्लास शेल्फ में हम उनका काम ले पाएँ। ग्लास कटिंग काफ़ी ख़तरनाक काम है और ग्लास काफ़ी बुरी तरीके से उछटता है जब आप इसको काट के तोड़ते हैं, तो सेफ्टी का आपको पूरा ध्यान रखना है। इसलिए सेफ्टी गॉगल्स ज़रूर पहने ग्लास कटिंग के दौरान। हल्के फुल्के किनारियाँ हम ग्राइंडर या रेखमाल की मदद से एकसार कर सकते हैं बाद में। ग्लास पे मार्किंग्स बनाने के लिए मैं एक वाइटनर का इस्तेमाल करता हूँ। कई बार अगर ग्लास को तोड़ने में दिक्कत आ रही है तो इस तरीके से जो क्रैक है उसको आप फैला सकते हैं, और जब क्रैक पूरी तरीके से फैल जाएगा तो ग्लास को तोड़ने में आसानी हो जाएगी। ये देख सकते हैं बिल्कुल एकसार कटा है। आप जब इसे काट लेंगे इसकी एज जो होगी ना काफी शार्प होगी, तो एक रेखमाल की मदद से आपको इसको थोड़ा सा डल करना पड़ेगा, नहीं तो हाथ छील देगा। और जब आप काटेंगे फर्स्ट टाइम थोड़ा सा हो सकता है कि आपसे सही प्रेशर ना लगे, तो ये जो किनारी है थोड़ी सी इतनी एक साथ ना कटे। फर्स्ट टाइम जब मैंने करा था तो मुझे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत थी, तो धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे आपके हाथ में आपको आदत पड़ जाएगी और पता चल जाएगा कि कितना प्रेशर इस पर लगाना चाहिए, और जो इसकी किनारी है फिर एकदम आपकी स्ट्रेट आएगी। बड़े ग्लास के टुकड़ों को काटना तो काफ़ी आसान होता है, लेकिन असली चैलेंज होता है ग्लास की पतली स्ट्रिप्स को काटने में, क्योंकि इनको पकड़ के तोड़ने में काफ़ी दिक्कत आती है। और मेरे पास ग्लास को पकड़ के तोड़ने के लिए कोई प्लायर्स नहीं, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल ग्लास वर्कर नहीं हूँ। ग्लास के काम में सबसे ज़्यादा एफर्ट और टाइम इसको घिस के फिनिश करने में लगता है। इसके कॉर्नर्स को तो मैं गोल नहीं करूँगा, नहीं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बस मैं इसको इतना घिस लूँगा कि इसकी किनारियाँ हाथ पे ना लगे। ग्लास डस्ट काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है, तो सेफ्टी गॉगल्स के साथ ही साथ आपको एक N95 मास्क भी पहनना चाहिए ताकि आपके लंग्स को बिल्कुल भी ग्लास डस्ट से नुकसान ना हो। ऑफ द कैमरा मैंने ग्लास ब्रैकेट्स को दीवार में छेद करके लगा दिया और ग्लास के जो पीसेस हमने अभी बनाए थे उनको इन पे माउंट कर दिया, और ये बहुत ही अच्छी ग्लास शेल्फ बन चुकी है और सामान इन पे लग के काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो लास्ट कट हमने बनाया था ग्लास में उसमें काफ़ी कम मार्जिन था, तो ग्लास से पकड़ के तोड़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इस कारण से थोड़ा सा अनइवन रह गया था, लेकिन इसको मैंने ग्राइंडर से फिनिश कर लिया है। अगर मेरे पास थोड़ा सा और टाइम होता तो इसको और फिनिशिंग से मैं बना देता, लेकिन कोई बात नहीं, ये साइड ज़्यादा दिखती नहीं है तो इसलिए चल जाएगी इसमें। आजकल के अपार्टमेंट्स में जगह कम होती है और सामान ज़्यादा होता है, इस तरह के शेल्फ्स काफ़ी हेल्प करती है जगह बचाने में, और सामान तो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो ही जाता है। LED TV के नीचे ट्रॉली लगाने से काफ़ी ज़्यादा जगह जाती है, इस तरह की शेल्फ लगाने से वो जगह सेव हो जाती है। सेट टॉप बॉक्स, वाईफाई राउटर्स और मोबाइल फ़ोन्स इस तरीके से ग्लास शेल्फ पे लगाए जा सकते हैं। बाकी अपनी डिवाइसेस की ज़रूरत के हिसाब से ग्लास शेल्फ्स का आप अपना साइज़ बना सकते हैं। इस तरह के ग्लास ब्रैकेट्स तो आपको किसी भी लोकल हार्डवेयर शॉप में मिल ही जाएंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।